तो ये है पूरा 5 BHK विला जो हमने बुक किया हुआ था। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा, मतलब 2 गाड़ी का पार्क कर सकते हो आप यहाँ पे, उतना ज़्यादा स्पेसियस पार्किंग है। और गार्डन है यहाँ पे जहाँ पे आप रात को बैठ सकते हो। एंड लुक एट द विला। और विला के सामने काफ़ी अच्छा व्यू मिल रहा है, अर्ली मॉर्निंग सनराइज़ एंड सनसेट भी। और स्विमिंग पूल दिखा था मैं प्रॉपर्टी का, बिकॉज़ काफ़ी अच्छा स्विमिंग पूल है यहाँ पे। तो कल रात को बहुत जम के पार्टी की है स्विमिंग पूल पे, एंड काफ़ी मज़ा आया। और काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, एकदम पीसफुल लोकेशन पे ये प्रॉपर्टी है। और मैं दिखाता हूँ अंदर से प्रॉपर्टी कैसी है, बिकॉज़ एक नीचे फ्लोर है, एक ऊपर फ्लोर है, और नीचे भी रूम्स है, ऊपर भी रूम्स है। तो लेट्स सी, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ये प्रॉपर्टी कैसी है। प्रॉपर्टी कैसी लगी? प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी है, बट थिंक इज बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, बट एंजॉय करना है, एक्सप्लोर तो कर ही सकते हैं। व्यू आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा व्यू है। सो प्रॉपर्टी काफ़ी दूर है सिटी से, और काफ़ी मज़ा आया वैसा 2 दिन तो। बट लेट मी शो यू द प्रॉपर्टी फ्रॉम द इनसाइड। सो ये पूरा का पूरा हॉल है, कि यहाँ पे भी सो सकते हो आप। यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मैट्रेस है, सोफाज है, और ये है टीवी, ये एक और रूम है। और रूम से अटैच ही एक गैलरी है, कि अगर गैलरी में जाते हैं तो और शानदार व्यू आता है। सो काफ़ी मस्त है, काफ़ी बड़े रूम भी है, और काफ़ी मज़ा आ रहा है। ये है बहुत बड़ा बाथरूम, एंड दिस इज़ द सेकेंड रूम, एंड दिस इज़ द थर्ड रूम। तो ये है गणगौर घाट, जो कि उदयपुर सिटी की में लेक पिचुला से एकदम नज़दीक है, और सिटी पैलेस जाते हुए रास्ते में ही आता है। सो देखने के लिए आ गए, कहते हैं यहाँ पे रामलीला मूवी का एक शूट भी यहाँ पे हुआ था। सो दैट इज़ द प्लेस, काफ़ी अच्छा प्लेस है, यहाँ पे फ़ोटो अच्छे क्लिक कर सकते हैं।
तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं सिटी पैलेस उदयपुर, जो कि उदयपुर के एकदम सिटी के सेंटर में। एंड करीबन 300 रुपीज़ टिकट है यहाँ पे एडल्ट की। अगर आपके पास स्टूडेंट का आईडी कार्ड है तो आप 100 रुपीज़ में अंदर एंट्री ले सकते हो। एंड दिस इज़ द टिकट विंडो के जाकर आप टिकट परचेस कर सकते हो। और यहाँ से एंट्री लेनी है, ये है एंट्री पॉइंट। तो चलिए देखते हैं कैसा है सिटी पैलेस और क्या अंदर रहता है देखने जैसा, और मैं बताता हूँ आपको कि सिटी पैलेस का टूर पूरा कैसा रहता है, क्या क्या हमें देखने मिलता है, क्या क्या जानने मिलता है। बहुत सारी म्यूज़ियम है, पुरानी चीज़ें हैं जो हमें देखने मिल सकते हैं यहाँ पे। लेट्स सी। तो ये है इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा पैलेस, उदयपुर सिटी पैलेस। ये पैलेस को मेवाड़ साम्राज्य के 22 राजाओं ने मिलकर 400 साल में बनाया हुआ है। और कहते हैं कि ये पैलेस अरवली की पहाड़ियों, जंगल और पिछोला लेक से घिरी हुई है, इसलिए सबसे ज़्यादा महफूज है। ये कमरे में महाराणा प्रताप के ओरिजिनल हथियार है, जो उस समय में युद्ध के दौरान यूज़ किया करते थे। ये पूरा का पूरा कवच है। ये है इस महल का सबसे खूबसूरत कमरा, जिसका नाम है सीस महल, कि जहाँ पे राजा और रानी का बेडरूम हुआ करता था। ये है जनाना महल जाने का रास्ता, जो कि नीचे से होकर है। कहने में आता है कि जो रानी का पति शहीद हो जाता था वो यहाँ पे रहते थे फिर नीचे, और यहाँ पे किसी भी मर्द को जाने की इजाज़त नहीं थी। सो ये है जनाना महल, और यहाँ पे मिट्टी के तेल से चलने वाले पंखे थे। और पूरा का पूरा सिटी महल घूमने के लिए करीबन 4 से 5 घंटे तो लग ही जाते हैं। सो आप उस अकॉर्डिंग टाइम निकाल के ही सिटी पैलेस विजिट करने आना, बिकॉज सिटी पैलेस बहुत बड़ा है। उसका आर्किटेक्चर, उसकी हर एक चीज़ काफ़ी यूनिक और काफ़ी अतरंगी है, जो कि आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा। बहुत ज़्यादा ढलान वाला रास्ता था, और ढलान वाले रास्ते से हम लोग आ गए ऊपर सज्जनगढ़ पैलेस, जिसको मॉनसून पैलेस भी कहा जाता है, सज्जनगढ़ फोर्ट।
सो यहाँ पे करीबन व्हीकल अगर आपके पास फोर व्हीलर है तो 300 रुपये टिकट है, या फिर आपके पास टू व्हीलर लेके ऊपर आप आते हो तो आपको 60 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। लेकिन व्यू काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको, देखने सारा एक चीज़ मिल जाएगा यहाँ पे, और पर पर्सन आपको 150 रुपीज़ अराउंड कुछ चार्ज है पर एडल्ट आपको पैलेस में जाने के लिए। सो टिकट ले लिए हम लोग, ऊपर आ चुके और ऊपर से व्यू कुछ इस तरीके का दिख रहा है और सनसेट देख के हम लोग जाएंगे। तो लेट्स सी, ये है रास्ता और ये रास्ते से हम लोगों को ऊपर जाना है मॉनसून पैलेस, सज्जनगढ़ फोर्ट जिसको कहा जाता है उदयपुर में। सो लेट्स सी। तो यहाँ से एक रास्ता है जो सज्जनगढ़ पैलेस में एंटर होने के लिए, और यहाँ पे एक कैफे रेस्टोरेंट, आप को अगर कुछ स्नैक्स या फिर कुछ खाना है तो आप एंजॉय कर सकते हो। लुक एट द व्यू। तो सज्जनगढ़ पैलेस अरवली पहाड़ी की चोटी पर बना एक शानदार और आश्चर्यजनक महल है। 1884 में ये बिल्ट होना स्टार्ट हो गया था, और सज्जनगढ़ पैलेस महाराणा सज्जन सिंह का एक महलनुमा निवास है। पैलेस से फतेह सागर लेक, सिटी पैलेस और उदयपुर का शानदार नज़ारा आपको यहाँ से देखने मिलने वाला है। तो ये कोई चीज़ों का म्यूज़ियम नहीं है अंदर, पर यहाँ पे पक्षियों के बारे में और काफ़ी सारे जंगली जानवरों के बारे में बताया गया है कि पहले के टाइम में शायद ये सब चीज़ें हुआ करती थी और कैसे उनका शिकार किया जाता था या फिर क्या उनकी खासियत थी, वो सारी के सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। ऊपर जाने का रास्ता सज्जनगढ़ पैलेस का, कि ये सीढ़ियों से होते हुए हम ऊपर जाएंगे और ऊपर जाके देखेंगे कि यहाँ से उदयपुर का खूबसूरत नज़ारा कैसा दिखता है। यहाँ पर विंडोज़ आर्किटेक्चर काफ़ी पुराना है और इसे मॉनसून पैलेस भी कहा जाता है, बिकॉज़ मॉनसून में यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू दिखता होगा उदयपुर का। सेकेंड फ्लोर ऑफ सज्जनगढ़ पैलेस, एंड व्यू तो उतना अच्छा है लेकिन साथ में हवा देख पा रहे हैं, काफ़ी ठंडी हवा चल रही है एंड सनसेट का टाइम है, सनसेट कैप्चर करेंगे और पूरा का पूरा सज्जनगढ़ पैलेस देखेंगे। संग तेरे